हरे कृष्णा, मेरा नाम नलबुआ है। क्या गाय हमारी माता है? यह वाक्यों को मैं सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। माँ माँ वह होती है जो हमारा पालन पोषण करती है, जो हमारा देखभाल करती है, जो हमें प्यार देती है। इस तरह गाय भी विभिन्न तरीकों से हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए गाय को माता का पद दिया गया है। शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है कि गाय हमारी माता है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राज पत्नी का धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तेत मात्रा स्मिता। इन सात शास्त्र के अनुसार इन सात माताओं में से गाय भी हमारी एक माता है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 70वें अध्याय के 9वें श्लोक में परीक्षित महाराज भी गाय को माँ कर संबोधित करते हैं, क्योंकि वह एक सभ्य द्वित क्षत्रिय है। और एक उदाहरण से हम सिद्ध कर सकते हैं कि गाय हमारी माता है। यदि एक माता अपने पुत्र को जन्म देती है और दूसरी उसे दूध देती है, तो वह दूसरी दूध देने वाली गौ माता का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, ना कि उसका वध करना चाहिए। यदि एक पुत्र अपनी माँ को मारता है तो क्या यह ठीक है, जबकि उस माता ने वह पुत्र का पालन पोषण किया है? इसी तरह गाय भी विभिन्न तरीकों से हमारा पालन पोषण करती है। गाय हमें दूध दही इत्यादि चीज़ें देती है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। गाय मानव समाज के लिए एक वरदान है, जिससे वो हमें सब कुछ देती है। गाय का यहाँ तक कि गाय का गोबर और गौमूत्र भी हमारे लिए उपयोगी है। गाय का गौमूत्र के 3-4 बूंद कान में डालने से कर्णशूल कम होती है। गाय के गौमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारियां भी दूर हो जाती है। विज्ञान ने यह सिद्ध भी किया है कि गाय का गोबर एंटीसेप्टिक है, जिससे हम कई सारे दवाइयां बना सकते हैं। साबुन तथा दंतमंजन और शैम्पू जैसे भी चीज़ें उपलब्ध है। भगवान को भी गाय पसंद थी, प्रिय थी, क्योंकि गाय उनके लिए बहुत प्रिय थे। वह गाय का पालन करते थे। नमो ब्राह्मण देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। धन्यवाद।